तो जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल एसके बैंकिंग में, जिसमें आपको बैंकिंग रिलेटेड सभी जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कहीं स्पाइस मनी, थार पे, बहुत सारे APS पोर्टल या फिर बहुत सारे जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और बहुत जगहों पर आपको चेकबुक की ज़रूरत पड़ती है, कैंसिल चेकबुक की, अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक चलाते हैं या एयरटेल पेमेंट, बहुत सारे पेमेंट बैंक हैं और बहुत सारे बैंक हैं जिसका आपको स्टेटमेंट तुरंत नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों कुछ जगहों पर आपको पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड करना होता है तो अकाउंट नंबर से और IFSC कोड से ऐड नहीं हो पाता है। अगर आप कभी कभी पासबुक का जो है स्टेटमेंट भी अपलोड करते हैं तब पर भी अपडेट नहीं हो पाता है, आपका वेरीफाइड नहीं हो पाता ग्राहक डिटेल्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक का कैंसिल चेकबुक, जी हाँ कैंसिल चेकबुक, अगर आप अपडेट करते हैं डाउनलोड करके उसे अपने स्पाइस मनी या किसी भी पोर्टल में डालते हैं, कैंसिल चेकबुक को अपलोड करते हैं तो आपका तुरंत हो जाएगा दोस्तों, आपका वेरीफाइड जो है डॉक्यूमेंट जो है डिटेल्स पूरी तरह से अच्छी तरह से फिल हो जाएगी, एक संगे आपका पूरा काम हो जाएगा तुरंत। तो दोस्तों, उसके लिए डाउनलोड करने के लिए हमको जाना अपना होगा अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, वो मैं पेटीएम पेमेंट बैंक के यूजर को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सभी के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, हम आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और चलते हैं, आपको पेटीएम पेमेंट बैंक एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं डाटा को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करना है दोस्तों, इसलिए वीडियो इस मोबाइल से बनाना पड़ रहा है क्योंकि वो ब्लैक स्क्रीन हो जाता है इसी कारण। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डालकर आपको दिखा दे रहा हूँ, तो ये भी लॉगिन हो रहा है। और यहाँ पर आपको पेमेंट बैंक वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट बैंक वाला ऑप्शन, इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट लगाकर लॉगिन करना है या फिर अपना पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए पासवर्ड से लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन हो रहा है। नेटवर्क अधिक स्लो है इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो देख सकते हैं मेरे अमाउंट में इतना भी बैलेंस है, मेरे वॉलेट में इतना बैलेंस है। तो दोस्तों, आपको सर्विस वाले ऑप्शन पर, जी हाँ यहाँ पर सर्विस वाला जो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर सर्विस वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैंसिलेट चेकबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और देख सकते हैं कि आपका कैंसिल चेकबुक कुछ इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें लिखी होंगी, अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और ये आपको ले इसके चला जाएगा क्रोम वाले ब्राउजर में। और यहाँ से डाउनलोड का देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में, डाउनलोड में चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो गया है कैंसिल चेकबुक मेरा, यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, बड़ी अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक।